तो चलिए बच्चों, अभी जैसे हमने इसके पहले दो चुंबक लेकर उसके समान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींची, अब हम दोनों चुंबक के असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने जा रहे हैं। इसके लिए जैसे कि हमने पहले प्रक्रिया की थी, सफ़ेद कागज, कोरा कागज, उसमें बीच की लाइन हमने खींची और इस चुंबकीय सुई की मदद से इसकी सुई और लाइन को सीध में लेकर आए और इसके बाद इन दोनों चुंबक के, ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ हम ये N से मार्क कर देते हैं और ये है इसका दक्षिणी ध्रुव यानी कि S, ये हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है और अब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। तो ये देखिए ये चुंबकीय सुई, इसे हम इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में, ये इसका जो तीर का नोक है वो इस तरफ दिखाई दे रहा है और इसकी पूंछ इस तरफ है, इसके जो टेल है उसके ठीक सामने ये निशान हमने लगा दिया और उसके बाद वापस से उसी प्रक्रिया के अनुसार इस नोक को यहाँ सामने करके फिर से ये दूसरा निशान आगे बढ़ते जाते हैं। देखते हैं हमें यहाँ किस प्रकार की बल रेखाएं मिलेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई, निकलने के बाद ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हुई, एक निशान और लगा लें फिर हम इन बिंदुओं को मिला लेंगे। ये देखिए अब हम जब इनको मिलाते हैं तो ये हमें एक चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगी। आप इसे फ्री हैंड से इस प्रकार मिला सकते हैं। ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हुई, इसलिए इसमें इस तरह का तीर के निशान होंगे। चलिए अगली चुंबकीय बल रेखा खींच लें। ये देखिए फिर से उसी प्रकार, तो बच्चों देखिए जब चुंबक के असमान ध्रुवों को हमने आमने सामने रखा तो हमें इस प्रकार की बल रेखाएं प्राप्त हुई जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ चल रही हैं। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं, ये भी उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और इसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में आती हुई दिख रही है वो इसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल रही है। तो हमने देखा कि जब चुंबक के समान ध्रुवों को हम आमने सामने रखते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं वो असमान ध्रुवों की स्थिति से अलग दिखती हैं, उससे भिन्न होती हैं।